कार्य करती हैं, उनको ये नाम दे दी गई। इनको है ना गवर्नमेंट है वो पैसे भी प्रोवाइड करवाती है, अभी जिससे कम से कम इनको किसी तरह का कोई लोन वगैरह नहीं, उनके पैसे नहीं देने पड़ते, इनको पैसे प्रोवाइड करवाती है जिससे अपना कार्य आसानी से चला सके और फिर उनको पैसे को जमा करवा सके कुछ परसेंट काट करके। बट वुमेन्स ऑफ इंडिया शुड रियलाइज देयर इनर स्ट्रॉन्ग एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। उन्होंने कहते भारतीय जो महिला, उन्होंने ये महसूस करवा दिया कि भाई वो लोग कहते हैं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी स्ट्रोंग है, मजबूत है, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। देन ओनली देयर एस्पिरेशंस टू लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी वुड बी फील। कहते इसी कारण से आज उनका जो जीवन है उसके अंदर कहते रिस्पेक्ट भरा हुआ है। अब है एक्शन रिप्ले। हाँ भाई, तो ये पीछे का समझ में आया सभी को? हेलो। यस मैम, हाँ, तो भाई कौन कौन सी यस औरतें थी जिन्होंने भी मैम, महिलाओं के लिए भागीदारी निभाई, भी उनको जागरूक किया अपने अधिकारों के लिए? तो कौन कौन सी महिला थी जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, लीडर्स के रूप में वो सामने आई? नाम बताइए उनके, नाम बताइए। सरोजनी नायडू, जय भाई, पंडिता हाँ रामाबाई, हाँ और यस, एनी बेसेंट, कमला देवी, चट्टोपाध्याय है भाई, सरोजिनी नायडू, हाँ, पंडित रमाबाई, ठीक है। उसके साथ साथ जो समाज रिफॉर्मर्स थे वो कौन कौन थे भाई, समाज सुधारक? राजा राम मोहन राय और बोलिए ज्योतिबा फुले। देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर देखिए, अर्लियर इन द 18th सेंचुरी वुमेन वर बैर्ड फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन स्पेशली फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। 18वीं शताब्दी तक उनको, 18वीं शताब्दी तो औरतें थी ना, उनको तो उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, पढ़ने नहीं दिया जाता था, और उनको इंग्लिश के लिए अलाउ नहीं किया जाता, वो इंग्लिश भी सीख सकती है। टूडे अराउंड द वर्ल्ड वुमेन आर स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम टू अर्न देयर लिविंग। कहते आज की हम बात करते हैं तो पूरे संसार के अंदर कहते औरतें जो है वो घर से बाहर जाकर के अपनी आजीविका आसानी से चला सकती हैं, ठीक है, कमा सकती हैं। टूडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। कहते आज की हम बात करते हैं तो कहते आज इनको तो लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत अधिक मात्रा में स्कूल जाते हैं। पंडित रमाबाई वाज ए रेप्टेड संस्कृत स्कॉलर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। पंडित रमाबाई थी वो एक अच्छी संस्कृत की विद्वान थी और उनका भी समाज सुधारक थी, जो 19वीं शताब्दी के अंदर की पंडित रमाबाई संस्कृत स्कॉलर, विद्वान और समाज सुधारक थी। रोकिया लर्न टू रीड एंड राइट बंगला एंड इंग्लिश विद द सपोर्ट ऑफ हर एल्डर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर। रोकिया थी उसने बांग्ला और इंग्लिश उसके जो बड़े बहन भाई थे ना उनकी सपोर्ट से उसने सीखा और 25 साल के आयु के लेखक बन गई। कौन सा उसने वो लिखा था है भाई, कौन सी स्टोरी लिखी थी उसने जिसका टाइटल था सुल्ताना ड्रीम? कब लिखी थी वो? 1905 में। कब लिखी थी? 1905 बोलिए। में यस। आगे देखिए, रिफॉर्मर्स फॉर वुमेन हैज बीन ब्रॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर लीगल स्टेटस, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट देम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। कहते भी महिलाओं के लिए उनको अधिकार मिलने लगा भाई कि वो स्वास्थ्य संबंधित है, उनके अपने विरोध में कोई भी आवाज उठा सकती हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी उनको मिले। वुमेन्स हैज कंपेन्ड रिलेंटलेसली अगेंस्ट देयर वेज सिस्टम। कहते महिलाओं ने ना दहेज प्रथा के विरुद्ध भी उन्होंने बगावत की। वुमेन्स मूवमेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन राइजिंग अवेयरनेस और इम्पोर्टेंट इशू कंसर्निंग वुमेन्स लाइक देयर राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। कहते भी और
औरतों ने जो वुमेन है मूवमेंट था कहते उसके अंदर काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वो जागरूक हो गई अपने अधिकारों के प्रति। भाई एजुकेशन संबंधित उनका अधिकार है, हेल्थ से संबंधित अधिकार है, उनको तो इनके प्रति वो जागरूक हो गई। उसके बाद देखिए जो आपके चैप्टर है ये कंप्लीट रीड हो गया, फिफ्थ चैप्टर। अब सबसे पहले तो आप ये बताएं क्वेश्चन पूछते हैं उससे पहले ये चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया ना भाई, ये चैप्टर सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. अच्छा तो अपने चैप्टर में कहाँ तक क्वेश्चन हो गए? लेसन फोर तक कंप्लीट हो गए, फिफ्थ के कल भेज दिए गए थे। Yes, कल है ना फोर्थ और फिफ्थ दोनों चैप्टर की पीडीएफ मैंने भेज दी है उसको, कल संडे है, आराम से आप आज और कल उसको पूरा कर लेना, लिख करके साथ साथ अपना कार्य करना है, ठीक है? सुनाई दे रहा है सभी बच्चों को? Yes, hello. मैम हाँ बोल है? हाँ बोलिए सियाराम। इसी लेसन हाँ दोनों चैप्टर के भेज दिए थे कल, पीडीएफ भेजी गई थी मैंने, उसमें लिख रखा है चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ है अपना वुमेन चेंज द वर्ल्ड, कल हाफ पढ़ाया था, हाफ आज पढ़ा दी इसका सेकंड पार्ट, ठीक है? दोनों चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है कल पीडीएफ में भेज दिए थे, वो आप है ना आज लिख लेना, कल संडे है कुछ कल लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन देखिए अब द फीमेल लिटरेसी रेट इन सेंसेक्स ऑफ इंडिया 2001 वाज, महिलाओं का जो है ना भाई साक्षरता जो रेशियो था 2001 में कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार? बोलिए 54.2। सेकंड देखिए पंडित रमा, हाँ बोलिए मैम, बोलना है हाँ बोलना है 54.2, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रमाबाई एस्टैब्लिश्ड ए मिशन इन इन पुणे इन 1898। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रोक्या सावत हुसैन? बोलिए क्या कौन सा लिखा भी रोकेज शेखात हुसैन थी, उसने कहते कौन सा ऑटोग्राफी लिखा था? सुल्ताना ड्रीम। सुल्ताना ड्रीम